नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में, यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। देश भर में कोरोना के रोज बढ़ते मामले और साथ साथ दवाओं और ऑक्सीजन के लिए मची हाय तौबा के बीच केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार सरकार कदम उठा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। कोरोना महामारी के संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले कुछ हफ्तों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कई पहलुओं पर तेजी से काम करने की आवश्यकता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा कि ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाना, वितरण की गति बढ़ाना और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ऑक्सीजन की मदद प्रदान करने के लिए अभिनव तरीकों के उपयोग पर भी जोर दिया जाना चाहिए। 20 राज्यों की ओर से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए 6785 मीट्रिक टन प्रतिदिन की मांग के बदले भारत सरकार ने 21 अप्रैल से इन राज्यों को 6822 मीट्रिक टन प्रतिदिन आवंटन किया है। इससे भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू और निर्बाध तरीके से हो। उन्होंने मंत्रालयों को ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न अभिनव तरीकों को पता लगाने के लिए भी कहा। प्रधानमंत्री ने राज्यों को ऑक्सीजन का तेजी से परिवहन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। चिकित्सा समुदाय के प्रतिनिधियों ने ऑक्सीजन के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यों को जमाखोरी के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। मेडिकल ऑक्सीजन की बेरोक टोक आपूर्ति को लेकर केंद्र ने राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपदा प्रबंधन कानून के तहत गठित नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने राज्यों को दिशा निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन के आने वाले वाहनों पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। वाहनों की बेरोक टोक आवाजाही होगी। राज्य अपने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को निर्देशित करें। साथ ही ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले या फिर आपूर्ति करने वाले लोगों पर ऐसी पाबंदी नहीं होगी कि वो जिस राज्य में है वहीं के अस्पतालों को ही सप्लाई कर सकते हैं। शहरों के बीच या फिर शहरों के भीतर ऑक्सीजन आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही किसी भी तरह से किसी भी समय पर कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी और कोई भी अथॉरिटी अपने ज़िले या क्षेत्र से गुजरने वाले ऑक्सीजन के वाहनों को रोक नहीं सकता, जब्त नहीं कर सकता और उस पर किसी विशेष जगह पर आपूर्ति के लिए दबाव नहीं बना सकता। औद्योगिक उपयोग के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सिर्फ अनुमति वाले उद्योगों को छोड़कर 22 अप्रैल से प्रतिबंधित रहेगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अधिकार प्राप्त समूह द्वारा समय समय पर किए गए ऑक्सीजन सप्लाई के प्लान को मानेंगे। डीएम, डीसी, एसएसपी, एसपी और डीसीपी जैसे उच्च अधिकारी इन निर्देशों के पालन के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड से जुड़े मामलों का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई का फैसला किया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे देश के अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे को कोर्ट की सहायता करने के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि वो ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन के लिए नीति और मामलों पर सुनवाई करेंगे और अलग अलग हाईकोर्ट में सुनवाई से भ्रम न हो इसलिए इन सभी विषयों को सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर ये पूछा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए उनकी क्या योजना है। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वो कोरोना से लड़ने के लिए अपनी राष्ट्रीय स्तर पर तैयार योजना बताएं। ऑक्सीजन की उपलब्धता पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र द्वारा सुनियोजित रूप से ऑक्सीजन का आवंटन सुनिश्चित किया जाए और बिना किसी रुकावट के टैंकरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा दी जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन ले जाने वाली लॉरियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि ये काम बिना रुकावट के चल सके। देश में 28 अप्रैल से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का
टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए 18 साल से ऊपर के उम्र के लोग 24 अप्रैल से कोविन वेबसाइट और आरोग्य सेतु ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। देश के जिन राज्यों में ज़्यादा हालात खराब हैं, वहाँ ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था बढ़ाने का काम जारी है। देश में ऑक्सीजन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। देश में 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन होता है, जिसमें उद्योग और अस्पताल को सप्लाई की जाती है। फिलहाल देश में सभी राज्यों को 6,600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी जा रही है। आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा। विभिन्न राज्य सरकारों से बात करके ऑक्सीजन टैंकर के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित किया जा रहा है। दिल्ली में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। दिल्ली में रेलवे ने कुल 1200 बेड की व्यवस्था की है, जिसे आइसोलेशन और ऑक्सीजन बेड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली में DRDO ने 500 बेड के अस्पताल की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार भी अपने अस्पतालों में बेडों की संख्या लगातार बढ़ा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं केंद्र सरकार और दिल्ली हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पिछले 2-3 दिन में हमारी उन्होंने बहुत मदद की, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचने लगी है। दिल्ली में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की भागदौड़ पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। उसे न केवल कानून व्यवस्था पर नज़र रखनी पड़ रही, बल्कि कोरोना मरीजों की सेवा में भी लगना पड़ा है। कोविड के दौरान चारों तरफ अफरा तफरी के माहौल के बीच दिल्ली पुलिस देवदूत बनकर मरीजों की जान बचा रही है। दिल्ली पुलिस को लगातार अस्पतालों से इमरजेंसी कॉल मिल रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, और ऐसे कॉल द्वारका के आकाश अस्पताल से जब आई तो पुलिस ने वहां ऑक्सीजन का इंतजाम किया और इसके बाद अस्पताल मैनेजमेंट ने राहत की सांस ली। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हुई DCP एंटो अल्फांसो और उनके स्टाफ ने कोरोना मरीजों के लिए अपनी पहल पर 15 ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के गुलाबी बाग के NKS अस्पताल को सरकार ने कोविड अस्पताल घोषित कर रखा है और वहां पर करीब 102 कोविड मरीज भर्ती हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लागू प्रतिबंधों की वजह से मुंबई की सड़कें सुनसान दिखी। राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन पहल के तहत आज रात 8 बजे से नए और सख्त प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी केंद्र, राज्य और लोकल अथॉरिटी के दफ्तर 15% क्षमता के साथ चलाए जाएंगे। अगर मंत्रालय या फिर केंद्रीय सरकारी दफ्तर में ज़्यादा अटेंडेंस के साथ से चलाए जाने की बात है तो उसके लिए महाराष्ट्र स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के CEO से अनुमति लेनी पड़ेगी। आम लोगों के लिए मेट्रो और लोकल ट्रेन बंद रहेगी। लॉकडाउन जैसे ये कड़े प्रतिबंध 1 मई तक लागू रहेंगे। नए नियमों के मुताबिक शादी समारोह में मुंबई में और महाराष्ट्र में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। लोकल ट्रेन, मोनो ट्रेन, मेट्रो रेल का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के स्टाफ और डॉक्टर और ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोग कर सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के कारण ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। इस बीच गुरुवार को ऑक्सीजन एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंची। 7 खाली टैंकरों के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से रवाना हुई। 7 टैंकरों के साथ ये एक्सप्रेस चली थी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील संयंत्र के तरल ऑक्सीजन लोड कर उसका परिवहन महाराष्ट्र के लिए करेगी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 100 टन से ज्यादा तरल मेडिकल ऑक्सीजन लोड करने की क्षमता है। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। रेलवे ने रविवार को ऐलान किया था कि वो देश के विभिन्न राज्यों में तरल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए अगले कुछ दिनों तक ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार 28 अप्रैल से 18 से 45 वर्ष के आयु के लोगों का मुफ्त में टीकाकरण कराएगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल कोविड-19 से निपटने के लिए मिली दान राशि का इस्तेमाल इस उद्देश्य के वास्ते किया जाएगा। इसके मद्देनजर राज्य का स्वास्थ्य विभाग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से 1-1 करोड़ कोरोना टीकों की खुराक खरीदे। असम में कोरोना रोगियों के लिए गुवाहाटी में नए अस्थायी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा रोगियों को रखने के लिए बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। असम के गुवाहाटी में टीकाकरण केंद्रों में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही, जहां लोग टीके की पहली खुराक लेने के लिए जुटे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दूसरी खुराक के लिए भी व्यवस्था की गई है। साथ ही कोरोना नमूनों की जांच का काम भी तेजी से चल रहा है, ताकि कोरोना संक्रमण के रोगियों का पता लगाकर जल्द से जल्द उनका उपचार किया जा सके।
असम में कोविड के बढ़ते मामलों पर गुवाहाटी में सभी पार्टियों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में सर्वदलीय बैठक में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आगामी 28 अप्रैल से 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क लगाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति पर टीम 11 के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कोरोना महामारी के संकट काल में जीवन उपयोगी दवाएं जैसे रेमडेसिविर की कालाबाजारी से निपटने के लिए जिला पुलिस एवं एसटीएफ को निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऑक्सीजन एक्सप्रेस झारखंड के बोकारो के लिए रवाना हो चुकी है। इस विशेष ऑक्सीजन ट्रेन के परिचालन के लिए ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने 28 अप्रैल से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना टीका मुफ्त में लगाने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में 45 वर्ष से अधिक आयु समूह के लोगों को कोरोना टीके की पहली खुराक दी जा रही है। पहली खुराक देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य का पूरे देश में चौथा स्थान है। बिहार में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त कोरोना टीकाकरण शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 अप्रैल से शुरू होने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के टीकाकरण को निःशुल्क करने की घोषणा की है। इस बीच बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 12,220 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 4,774 मरीज ठीक भी हुए हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बाद ऑक्सीजन की मांग पर कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता को बेहतर किया जा रहा है। रेमडेसिविर के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए कोटा सुनिश्चित किया गया है। आने वाले समय में उपलब्धता और बेहतर हो जाएगी। कोरोना महामारी को देखते हुए बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को 15 दिनों के लिए टाल दिया गया है। झारखंड में आज सुबह 6 बजे से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो गई। इसके तहत जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद हो गई हैं। इसका असर राज्य भर में देखने को मिल रहा है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहे। राजस्थान में बढ़ते कोरोना मामले के बीच उदयपुर में निजी अस्पताल के डॉक्टर और एक मेडिकल छात्र को रेमडेसिविर की कालाबाजारी के लिए गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक में मेट्रो प्रशासन कोविड के नियमों का पालन नहीं करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। बेंगलुरु मेट्रो में मास्क नहीं लगाने वाले यात्रियों से पुलिस 250 रुपये का जुर्माना वसूल रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन सतर्क है। कठुआ में बाहर से आने वाले लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना रोकने के दो तरीके हैं। एक लॉकडाउन है जिसे हम लगाना नहीं चाहते, दूसरा है कोरोना दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वो हम लागू कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड के बढ़ते संक्रमण पर शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। आयुष मंत्रालय ने गुजरात के राजकोट की आयुर्वेदिक कंपनी के प्रोडक्ट आयुध एडवांस के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उसका प्रोडक्ट कोविड के इलाज में कारगर है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले और संक्रमण के मामले जारी हैं। कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण के 3,14,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 22,91,428 हो गई है। बीते 24 घंटे में देश भर में 2,104 मरीजों की मौत हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में कल तक कोरोना संक्रमण के कुल 27,27,05,103 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 16,51,711 सैंपल कल टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस से होने वाली 81.08% नई मौतें 10 राज्यों में हुई हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण को अस्थायी रूप से निलंबित कर चुका है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा को गुरुवार को बेंगलुरु के मणिपाल हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक कुमार वालिया का आज सुबह इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। वो कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आए थे और कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे।
हरियाणा के गुरुग्राम में एक अस्पताल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी के बेटे आशीष का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु पर वैश्विक नेताओं के शिखर सम्मेलन लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए वास्तविकता बना हुआ है, जिससे निपटने के लिए वैश्विक ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन की दिशा में अपने हिस्से का काम कर रहा है और 2030 तक 450 गीगावाट के हमारे महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मिलकर भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी को शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत स्वच्छ प्रौद्योगिकी और हरित सहयोग के लिए फंड जुटाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय गलीपोली वर्चुअल सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से 2018 के बीच विदेश मंत्रालय और यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच संयुक्त योजना का ध्यान भारतीय सैनिकों के योगदान पर रहा। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने बचे हुए चरणों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने राज्य में अब रोड शो और पदयात्रा पर रोक लगा दी है। साथ ही चुनाव आयोग ने साइकिल और बाइक और अन्य वाहनों की रैली पर भी रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान सुचारू रूप से संपन्न हुआ। इस चरण में 4 जिलों की 43 सीटों के लिए वोट डाले गए। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण दिनाजपुर जिले के हरिरामपुर क्षेत्र में चुनावी रैली में कहा कि अवैध प्रवासियों का उनका वोट बैंक, जिसके समर्थन के बल पर वो राज्य में शासन करना चाहती है, असल में बाहरी लोग वे ही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है तो ये सुनिश्चित करेगी कि राज्य की सीमाओं से कोई भी प्रवासी अवैध रूप से प्रवेश न करे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कटरा थाना क्षेत्र स्थित हुलास नगरा रेलवे क्रॉसिंग पर गुरुवार को हुए हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने बिहार के 20 जिलों में एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। रूस में जेल में बंद क्रेमलिन आलोचक एलेक्सी नवाल्नी के गिरते स्वास्थ्य पर नवाल्नी समर्थन में कई शहरों में रैलियां निकाली गई। नवाल्नी के समर्थकों को आशंका है कि नवाल्नी की जेल में मृत्यु हो सकती है और वे वहां पर भूख हड़ताल पर हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में सेरेना होटल के पार्किंग में हुए धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य लोग घायल हो गए। अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने मॉस्को में रूसी अधिकारियों से मिलकर हालिया अमेरिकी प्रतिबंधों पर पाबंदियों पर रूस के जवाब पर चर्चा की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि अंतरिक्षयान परसिवरेंस ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का पहला नमूना निकाला है। 6 पहिए वाले रोबोट ने मंगल ग्रह के वातावरण में भारी मात्रा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एक उपकरण की सहायता से ऑक्सीजन में बदलने का काम किया है। मध्य अफ्रीकी देश चाड के अंतरिम राष्ट्रपति जनरल महातम इद्रिस डेबी ने सत्ता संभालने के बाद पहली बार कहा कि देश में 18 महीने के भीतर स्वतंत्र और लोकतांत्रिक चुनाव होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ ऐसे उद्योगों के साथ टैक्स संबंधी नरमी की घोषणा की है जो अपने कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगवाने के लिए बिना वेतन काटे छुट्टी देंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 14,45,00,000 को पार कर चुकी है, जबकि 30,74,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 12,27,00,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अमेरिका वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से गंभीर रूप से जूझ रहा है। दुनिया में सबसे अधिक 3,26,00,000 मामलों और 5,83,000 मौतों के साथ अमेरिका अब भी सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। ब्राजील में कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ब्राजील में अब तक 1,41,00,000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं तो वहीं 3,81,000 लोगों की मौत भी हुई है। ब्राजील में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना महामारी ने ब्राजील की स्वास्थ्य प्रणालियों को ध्वस्त कर दिया है। अस्पतालों में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन के भंडार की भारी कमी है। कई शहरों में स्पोर्ट्स जिम को अस्थायी तौर पर अस्पताल के रूप में तैयार किया जा रहा है। फ्रांस कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर का सामना कर रहा है। फ्रांस में अब तक 53,74,000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले आ चुके हैं, वहीं 1,00,000 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रूस में भी कोरोना से तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं। रूस में अब तक 47,36,000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले आ चुके हैं, वहीं 1,06,000 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ब्रिटेन में अब तक 43,95,000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले आए हैं, वहीं 1,27,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है।
कोरोना के मामले पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कई इलाकों में लॉकडाउन लगाया। हालात तुर्की में भी तेजी से बिगड़ रहे हैं। तुर्की में अब तक 44,46,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 36,965 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि तुर्की में हुई है। अगर हम बात करें स्पेन की, तो स्पेन चौथे चरण की गिरफ्त में है। वहां अब तक 34,46,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले आ चुके हैं। वहीं 77,000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पोलैंड कोविड के तीसरे चरण की गिरफ्त में है। यहाँ पर अब तक 27,31,000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले आ चुके हैं और 64,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। पोलैंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए 25 अप्रैल तक कोरोना प्रतिबंधों को सख्त किया गया है। ईरान में कोरोना वायरस महामारी गंभीर होती जा रही। ईरान में कोविड-19 मामले 23,35,000 से ज़्यादा दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अब तक 68,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। डेनमार्क में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आने के कारण एक सप्ताह पहले आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया गया है। रेस्तरां और कैफे फिर से खोल दिए गए हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा है कि स्पेन लातिन अमेरिकी और करेबियाई देशों को अपने कोरोना टीकों की 5 से 10% के बीच की खुराकें देने की पेशकश करेगी। कोरोना महामारी से प्रभावित कनाडा के टोरंटो शहर समेत देश के अस्पतालों में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण जारी है। यूरोपियन सुपर लीग का होना मुश्किल लग रहा है। सभी 6 इंग्लिश क्लबों के नाम वापस लेने के बाद बुधवार को एसी मिलान, इंटर मिलान और एटलेटिको मैड्रिड ने प्रतियोगिता से हटने का फैसला किया। रियल मैड्रिड और सुपर लीग के चेयरमैन फ्लोरेंटिनो पेरेज के मुताबिक अब भी ये प्रोजेक्ट चालू है और क्लब्स कोई ऐसा फॉर्मेट खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा कमाई हो सके। शानदार फॉर्म में चल रही मैनचेस्टर सिटी इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीतने के करीब पहुंच गई है। सन हंग मिन ने अंतिम समय में पेनाल्टी पर किए गए गोल की मदद से टॉटनहैम ने वापसी करते हुए साउथहैम्पटन को 2-1 से मात दी। रायन मेसन ने बुधवार को इतिहास रच दिया। वे प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे युवा मैनेजर बने। वहीं टॉटनहैम ने के इंचार्ज के रूप में उन्होंने अपना पहला मैच भी जीतने में कामयाबी पाई। रियल मैड्रिड ने लालीगा के शीर्ष एटलेटिको मैड्रिड के बराबर अंक हासिल कर लिया है। रियल मैड्रिड ने कैडिस को मात दी। रियल मैड्रिड की टीम ने कैडिस के प्रशंसकों द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा है। कैडिस के फैंस ने सुपर लीग माफिया के बैनर्स के साथ रियल मैड्रिड के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इंटर मिलान ने सेरी आ स्पेजिया के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला है। इसके साथ उन्होंने शीर्ष 10 में 10 अंक की बढ़त बना ली है। एसी मिलान की इंटर मिलान की बराबरी करने की उम्मीद को झटका लगा है। उन्हें सैसुओलो के खिलाफ अपने ही घर पर 2-1 से हार का सामना करना पड़ा है। जुवेंट्स ने पिछड़ते हुए वापसी की है और संघर्षरत परमा को 3-1 से मात दी है। स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने बार्सिलोना ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी 45 साल से अधिक उम्र के हैदराबाद के सिने वर्क्स और पत्रकारों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म ईद के खास मौके पर रिलीज होगी। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए DD न्यूज। नमस्कार। जन्नत जिंदगी सब्लाइम फ्रेश ऑसम संतुलित बहुत मस्त यार बनाया मनमो पैकेट से कैसे भी अमूल मस्ती बटर मिल्क देसी रिफ्रेशर।